तो दोस्तों, जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और ये चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि जिस फ्रेंचाइज आईपीएल फ्रेंचाइज का खिलाड़ी कोच बन जाता है या फिर उस आईपीएल फ्रेंचाइज का खिलाड़ी कप्तान बन जाता है, उस आईपीएल फ्रेंचाइज के बहुत सारे खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिलता है। और ये इल्जाम पहली बार नहीं लगे, पहले भी लगते रहे। रोहित शर्मा कप्तान थे तो मुंबई इंडियंस के आप खिलाड़ी गिन सकते हैं कितने खेले हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। उसके बाद में जब विराट कोहली कप्तान थे तो आप देखिए, एक के बाद एक खिलाड़ी आरसीबी के खेलते हुए नजर आए आपको इंडियन क्रिकेट टीम में। जब एमएस धोनी कप्तान थे तो उस समय आपने देखा होगा कि सीएसके के सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते थे इंडियन क्रिकेट टीम में। उसी तरीके से नक्शे कदम पर चलते हुए अब कोच बने हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर कोच बने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो कोचिंग स्टाफ है, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, सारा का सारा चेंज करके गौतम गंभीर एक के बाद एक कोचिंग स्टाफ में शामिल करते जा रहे हैं। कहां से? केकेआर के पूरे कोचिंग स्टाफ को लेके आ रहे हैं धीरे धीरे करके इंडियन क्रिकेट टीम में। तो भाई, जो ट्रेंड चलता आ रहा है सालों से, वो अभी भी चलते हुए नजर आ रहा है। और दोस्तों, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब केकेआर के एक के बाद एक खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए भी आपको नजर आएंगे। और सबूत के तौर पर आपने देख लिया, श्रीलंका दौरे के लिए अभी हर्षित राणा का चयन किया गया है, और जो श्रेयस अय्यर, ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर, जिन्हें की बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था, उनकी भी ओडीआई में हो चुकी है वापसी। नीतीश राणा, रिंकू सिंह जिन्हें की पूरे वर्ल्ड कप बाहर बैठाया गया, अब रिंकू सिंह दोनों फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको श्रीलंका दौरे पर। तो एक के बाद एक केकेआर वो ही टीम है जो जीती थी 2024 का आईपीएल, और केकेआर का एक भी खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 तो छोड़िए 15 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं था। और अब जब से गौतम गंभीर की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर, एक के बाद एक खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में आपको शामिल होते हुए नजर आ रहा है। तो जो ट्रेंड सालों से चला आ रहा है वो ट्रेंड अभी भी जारी है। गौतम गंभीर ने भी उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया है, और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना के भी गौतम गंभीर ने ये चीज बता दी है, क्योंकि आपको याद होगा कि सूर्य कुमार यादव सबसे पहले गौतम गंभीर की कप्तानी में केकेआर के लिए आईपीएल खेले थे। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए सूर्य कुमार यादव को गौतम गंभीर पहले से जानते हैं, और गौतम गंभीर के अंडर में सूर्य कुमार यादव खेल चुके हैं केकेआर में। तो अब केकेआर के ही खेले हुए खिलाड़ी को गौतम ने आते ही इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान भी बना दिया। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको अगले कुछ वक्त में केकेआर के एक के बाद एक अनेकों खिलाड़ी अब आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, और जो खेल रहे थे बाहर बैठे हुए थे अब वो वापसी करते हुए नजर आएंगे इंडियन क्रिकेट टीम में। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ये सवालों के घेरे में चल रही हैं चीज़ें, इसीलिए हमने अपने चैनल पर आपको क्लैरिफिकेशन के तौर पर एक वीडियो बना दी, पूरी डिटेल में बता दिया कि पास्ट में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।